हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी को चारकली वाला पेटीकोट कपड़े पे ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम कपड़े को दो परत में पूरा हम फोल्ड करके रखते हैं, फिर 2 इंच की हम झाला निकालेंगे। जैसे कि ये देखिए, 2 इंच की हमने आप सभी को ड्राफ्टिंग जब बताई थी तो बताया भी था, इस तरीके से 2-2 इंच की इस तरह से हम पूरी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि ऊँची नीची ना हो, एक्स्ट्रा ना कटे कपड़ा। ये देखिए, इसको देखिए, देखिए हम अब स्केल की सहायता से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया है, देखिए देखिए, अब इसको हम कट करके अलग निकाल लेते हैं झालर वाला। ये देखिए कट हो गया, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने निशान लगा के रखा है। अब इसकी कटिंग ये देखिए, ये कट हो गया हमारा। देखिए हमारी झालर का कपड़ा निकल गया है। अब हम पेटीकोट की जो हमारी लंबाई है उसको हम देखते हैं कितनी है। हमारी जो लंबाई होगी उसमें से हम 2 इंच झालर के लिए निकाल देंगे और 2 इंच बेल्ट का लेस करने के बाद ही हम लंबाई अपनी रखेंगे। तो अब हम अपनी झालर और बेल्ट का लेस करने के बाद हम पेटीकोट की लंबाई हम रखते हैं 32। देखिए 32 हमने रखी है। अब हम अपनी ये लगाते हैं कमर का निशान जो होता है, हम लगाएंगे 11.5। हिप का चौथाई भाग प्लस 1 इंच ऐड करके इधर भी हम 11.5 लगा के ये देखिए हमारा निशान लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम इधर से जैसे हमने पेपर पे कटिंग की थी उसी तरीके से हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारे कट के तैयार हो गया है। इसको हम बीच से अलग कर देते हैं। ये देखिए बीच से अलग हो गया है और इसको हम इस तरीके से रखते हैं। देखिए एक हमारा सीधा होगा सीधा भाग, एक हमारा तीसरा यानी कि जो ऑरेंज कटा होता है
वो हम इसमें सिलाई करते समय जोड़ेंगे। इस तरीके से होगा। अब हम अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं पेटीकोट की, उसको हम साइड में रखते हैं। बेल्ट में भी हम दो परत कपड़ा रखेंगे। इसके लिए हम 4 इंच की बेल्ट का निशान लगाते हैं। प्लस 24 ये देखिए निशान लग गया है हमारा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा देखिए इस तरीके से ही हमारा ऊपर ही लगेगा, इस तरीके से आएगा हमारा। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।